मध्य प्रदेश के देवास जिले में स्थित ऐतिहासिक दुर्गा मंदिर कैसियों से भरा है, जिससे कई कहानियों भी जुड़ी हुई है। वहाँ के रहने वाले लोगों का कहना है कि सूरज ढलते ही यहाँ कोई नहीं जाता। उन्हें यहाँ सफ़ेद साड़ी में लिपटी एक महिला बैठी हुई दिखाई देती है, जो किसी से कुछ नहीं कहती। लोगों के अनुसार कहा जाता है कि इस मंदिर में अभी भी बहुत तरह की आवाज़ भी आती है, जैसे कभी शेर के दहाड़ने की आवाज़ें आती है तो कई बार सफ़ेद वस्त्रों में लिपटी महिला की परछाई यहाँ डोलती नजर आती है। इन्हीं सब घटनाओं के चलते यहाँ के लोग दिन ढलने के बाद इस मंदिर के आसपास लोग नहीं आते हैं। मंदिर में लंबे समय से दर्शन करने वाले भक्त आते हैं कि इस मंदिर में गलत इरादे से आने वाले व्यक्तियों के साथ अच्छा नहीं होता है। उनके अनुसार कुछ लोगों ने मंदिर की ज़मीन को दूसरे उपयोग में लाने के लिए मंदिर को ध्वस्त करने की कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाए। किंवदंती है कि कई बरस पहले देवास के महाराजा ने एक दुर्गा मंदिर का निर्माण कराया था, लेकिन मंदिर निर्माण के बाद से ही राजघराने में अशुभ घटनाएं व पारिवारिक कलह होने लगे। कुछ बुजुर्गों के अनुसार यहां की राजकुमारी के राजा के सेनापति से प्रेम संबंध थे। उसके बाद रहस्यमय परिस्थितियों में राजकुमारी की मृत्यु हो गई और सेनापति ने भी मंदिर परिसर में आत्महत्या कर ली। इसके बाद राजकुमार के द्वारा मंदिर अपवित्र होने की बात कहने पर राजा ने माँ की मूर्ति को पूरे सम्मान के साथ उज्जैन के बड़े गणेश मंदिर में स्थापित करा दिया और माँ की एक प्रतिमूर्ति को रिक्त स्थान पर रख दिया गया। लेकिन इसके बाद भी इस मंदिर में होने वाली अजीबोगरीब घटनाओं में किसी तरह की कोई कमी नहीं आई। इन्हीं कहीं सुनी बातों के प्रचलित होने से दुर्गा मंदिर के आसपास लोग रात में भटकने से भी डरते हैं।